हम लोगों ने अभी तक दो बातें पढ़ी थी। एक का नाम था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक का नाम था एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में एक रेशियो भी छूटा हुआ है, पता नहीं नंबर कौन सा होगा। आप सब जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल ये दोनों मिला के क्या बनता है, कैपिटल, है ना, यही तो होता है कैपिटल। तो एक लिख लीजिए, नंबर मुझे नहीं पता, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, तो जाहिर है कुछ खास नहीं है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। कहने का मतलब है कि आप अपनी कैपिटल का कितना गुना सेल करते हैं। मैं भी जनरली ये देखना पसंद करता हूं, किसी भी कंपनी का जब बैलेंस शीट देखता हूं, नहीं चल रहा है, चल रहा है बेटा, किसी भी कंपनी का जब बैलेंस शीट में देखता हूं तो ये देखना रेशियो में पसंद करता हूं। जैसे मान लीजिए कंपनी है जिसकी कैपिटल इंप्लॉयड है 100 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर है 300 करोड़। एक कंपनी से कैपिटल इंप्लॉयड कम है लेकिन टर्नओवर लेट सपोज उसकी है 200 करोड़, तो मैं इस कंपनी को ज्यादा अच्छा मानता हूं कि कंपनी अपनी टर्नओवर का, अपनी एक्टिविटी को अच्छा कर रही है, अपने कैपिटल का अच्छा काम कर रही है। यहां 3 टाइम्स है, यहां बताइए यहां कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। क्यों नहीं हम अपने कैपिटल को इस्तेमाल करें, हमारे पास समय है, समय इस्तेमाल करो, शरीर है, नहीं भी यूज करो बेटा जा तो रहा है जिंदगी। लोग बताते हैं सिगरेट की तरह है भाई, अगर नहीं भी तुम कुछ करोगे सुलग तो रही है, जब सुलग रही है तो मारो कस, ठीक बात है कि नहीं, भरपूर जियो यार, टुकड़ों में क्या जीना। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी बड़ा सिंपल है, हाइयर द टर्नओवर बेटर द सिचुएशन, जितना टर्नओवर ज्यादा है उतनी अच्छी बात है। लिख लिया सब लोगों ने। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और क्या बोलते हैं टर्नओवर रेशियो का एक एनालिसिस। आप तो सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी के हालात कैसे हैं। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को सही ढंग से एक्सप्लेन करने का एक तरीका एक एनालिस्ट ने खोजा जिसके नाम पर यह फेमस है, उसका नाम है ड्यूपॉन्ट। आज उनके नाम से बहुत बड़ी कंपनी भी चलती है अमेरिका में, आप सर्च मारेंगे तो मिल भी जाएगा, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस बोलते हैं, मतलब जिसने किया था उसका नाम है ड्यूपॉन्ट, और ये बड़ा अच्छा एनालिसिस बाद में साबित हुआ, हम बताते हैं आपको कैसे। सब ने लिख लिया ये, देखिए हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो है वो है आरओआई, मानते हैं इस बात को। ऐसा देखा गया है, इसको नाम दे देते हैं ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, नाम है और कुछ नहीं है, ये मेन उसके अंदर की बात देखिए। जैसे बिस्किट के ऊपर लिखा होता है मस्का चस्का, नाम ये मस्का चस्का कोई चीज थोड़ा ना होता है, नाम है। अब उसके अंदर देखिए कि टाइगर बिस्किट, पैकेट खोलो टाइगर थोड़ा ना निकलेगा, टाइगर का फोटो होता है, कितने समझदार है बच्चा। आइए, तो एक रेशियो होता है आरओआई, कहा गया कि आरओआई किस बात पर डिपेंड है। तो हम सब ने पढ़ा है कि आरओआई में बेटा देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं टैक्स के पहले या टैक्स के बाद, और कैपिटल इंप्लॉयड लेते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं ये तो रिजल्ट है, ये कारण नहीं है। अगर कारण सही में पता करना है तो आप एक काम करिए, आप इस रेशियो को थोड़ा और एनालिसिस कीजिए। कैसे करना है, अगर हम किसी भी संख्या में बराबर से गुना और भाग दे रहे तो चलेगा, बताइए मुझे, किसी भी संख्या में बराबर संख्या से गुना या भाग दे दे तो चलेगा। तो हमने गुने सेल्स बटे सेल्स कर दिया,
इससे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अब ये दो रेशियो बन गया, एक से दो हो गए। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको दुनिया में क्या बोलते हैं लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे सेल। और इसको क्या बोलते हैं? अभी अभी पढ़ा टर्नओवर रेशियो। लिख सकते हैं ऐसे? तो क्या हम कह सकते हैं आरओआई कुछ नहीं है? एक तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आप कमाते हैं आप सेल्स पे, बट सेल्स कितना कर रहे हैं भी तो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 50%, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल है ही नहीं, तो उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या करेंगे? तो हमारे साथ साथ बताइए क्या होना चाहिए? कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी होना चाहिए। क्या ये बात सही है बेटा जी? अगर मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, ए, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा है लेकिन उनका टर्नओवर रेशियो पुअर है, सिर्फ 2 times, तो ये जानते हैं कितना कमाएंगे? 100% आरओआई। लेकिन कोई दूसरा है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चलो कम मान लेते हैं लेकिन ये बहुत बढ़िया है, एक्टिविटी बहुत अच्छा, आप बताइए बेटा, 120%। तो मायने सिर्फ ये नहीं रखता कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये भी तो देखो कि भाई किस पे। छोटा बिजनेसमैन एक कपड़ा बेचता है उसमें 50% कमा लेता है लेकिन दिन भर में बेचता ही कितना है? 2,000, 3,000, 4,000 का। जबकि जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है शायद वो 10% ही कमाता है लेकिन दिन भर में 2 बक्सा माल, क्या बोलते हैं, 2 ट्रक माल बेच देता है, तो उसका 10% भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हम और आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या सोचते हैं कि हमें 8% 10% मिल जाए? अमेरिका वगैरह में लोग 4% 3% पे भी खुश हैं, लेकिन यार उनकी कैपिटल भी तो बहुत ज्यादा हो गई है, बिलियन में हो गई है कैपिटल, तो उनके लिए 2-4% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। सोच के देखिए, अगर किसी के पास 1,00,000 रुपए है, 10% कमाए तो कितना कमा लेगा? 10,000। और जिसके पास 100 करोड़ है और वो 5% भी कमा ले, 5 करोड़। तो दिमाग में जा रही भेजे में बात? इसका मतलब यह है कि अगर सही अगर आपको आरओआई के कारण पता लगाना है तो बिजनेस के दोनों रेशियो को देखना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या पढ़ा था कि भाई उसके अंदर तो सब कुछ आ गया, जीपी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया, सब आ गया, वही फाइनल रेशियो है। नेट प्रॉफिट फाइनल रेशियो थोड़ा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और इधर कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब फिक्स्ड एसेट भी, वर्किंग कैपिटल भी, स्टॉक भी, डेटर भी, क्रेडिटर भी, सब आ गया। तो इसी 2 रेशियो के ऊपर बंदा काम करे, उसका आरओआई अच्छा तो होना ही होना है। तो एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट हमें इन्हीं 2 रेशियो का ध्यान देना चाहिए। कौन सा रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और दूसरा बताइए कैपिटल इंप्लॉयड। कोशिश करनी चाहिए कि इसमें थोड़ा भी इंक्रीज कर सके। दोनों में इंक्रीज करेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको पैदा होगा, कहां पे? आरओआई में। और हम जब जानते हैं आरओआई ही तो बिजनेस का मेन उद्देश्य है, आरओआई नहीं तो बिजनेस नहीं, फिर बिजनेस बेकार। चलिए अब इसको जरा और आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं, लिखना है बेटा, लिखिए, शुरू से लिखिए, नाम से लिखिए। पहले क्वेश्चन हुआ करते थे, अब पता नहीं क्वेश्चन क्यों इंस्टीट्यूट ने काट दिया, अब क्वेश्चन ही नहीं है। पहले बड़े अच्छे क्वेश्चन हुआ करते थे। पुराने स्टडी में बड़े क्वेश्चन थे, नए स्टडी में काट दिए। चलिए हम अपने मन से करा देंगे एक दो। ऑनलाइन गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बहुत बच्चे ऑनलाइन है, इसका मतलब लगता है बरसात ज्यादा कहीं कहीं हो रही है। मैं आया तो बिल्कुल कोट भीग गया, वो तो ऑफिस में मैंने 2-3 कोट रखा है इसलिए ठीक है, मैंने बदल लिया वरना ठंडी मार देता। अच्छा नहीं, मैं तो पूरा भीग गया था,
जबकि मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर 5 मिनट के रास्ते पे है, फिर भी पूरी तरह भीग गया था। तो तौलिया रखा है मैंने ऑफिस में, एक दो कोट रखा है ताकि कभी ऐसी बरसात की बात हो जाए तो क्लास नहीं रुकनी चाहिए। क्लास नहीं रुकेगी बेटा। एक बार क्लास में टॉपर्स में टीचर समझा रहे थे कि देखो बेटा एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया में जलजला होगा। जलजला समझते हैं, एकदम जमीन फटेगी, आग का गोला निकलेगा, खोलता पानी निकलेगा, तेज हवाएं चलेंगी, बड़ी मुसीबत होगी। एक बच्चा उठ के बोला सर उस दिन हमारी छुट्टी होगी। क्योंकि टॉपर्स में किसी को विश्वास ही नहीं होता कि छुट्टी भी होगी। जब से आया तब से कोई छुट्टी हुई है? चलिए ध्यान दीजिए, जिस दिन रिजल्ट था उस दिन छुट्टी हुई थी। हम तो रेडी थे बेटा। चलिए आइए, मेरा तो देखो मानना है काम बेटा चलते रहना चाहिए। हमारा भी यही है ना बेटा, हम सबकी लाइफ के सक्सेस का रेशियो यही है। हम सबकी लाइफ के सक्सेस का रेशियो जानते हुए क्या है, ध्यान से देखो ये बेटा जी, और कुछ नहीं इफिशियंसी है। प्रॉफिट का मतलब इफिशियंसी ही तो होता है कि हम कोई काम कितना इफिशियंसी से करते हैं। लेकिन यार काम ही नहीं करते हैं, काम भी तो करें। इफिशियंसी और साथ ही साथ खूब वर्क, हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं, यही तो है। ठीक बात है कि नहीं? कैपिटल टर्नओवर मतलब अपने कैपिटल को खटाना। चल भाई 3 बार 4 बार 5 बार कर काम, ठीक है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं हार्ड वर्क या लेबर कह लो। जानते हो बेटा क्या है, यही तो है सक्सेस। तो सिर्फ ये नहीं है कि मतलब हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन भाई पढ़ना भी तो जरूरी है। आप बहुत अच्छा हफ्ते में एक दिन पढ़ते हैं, उसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक बात है कि नहीं? खूब अच्छा भी पढ़िए और डेली भी पढ़िए और खूब पढ़िए, फिर बनेगी बात। कोर्स टाइम पे कंप्लीट कराना मेरी ड्यूटी है, सब कुछ इंक्लूड करके। जैसे ही देखो ड्यू पॉइंट अब नए सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लगा चीजों को समझाने के लिए बेहद जरूरी है। आपको नहीं लग रहा है? इसे मैं आप लोग ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि 2 मिनट लगा ही दो, अब मैं क्लास छोड़ छोड़ के जब करूंगा ना तो ये सब चीजें मैं स्किप करना चाहूंगा। मैं कहूंगा यार कोर्स कंप्लीट कराना छोड़ो ये सब चीजें। अब मुझे पता है मैं डेली क्लास कराऊंगा तो मैं कितना भी ऐसी बातें कर लूं जो साइड में रिलेटेड है, भले कोर्स में नहीं भी हो लेकिन बताने के लिए जरूरी है, तब भी कोर्स टाइम पे हो। तो इस रेशियो को तो हम अपने लाइफ में भी समझना चाहिए बेटा। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में समझना चाहिए, और हम एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर या एज ए व्यक्ति भी हमें समझना चाहिए। ठीक है ना? हाँ बोलो। चलिए ये बात आपको यहां देखनी है। मान लो कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है और डेली 10 मिनट प्रैक्टिस करता है, उसे कुछ नहीं होगा। कितने भी इंटेंसिटी के साथ 10 मिनट प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। अब डेली 10 मिनट वर्कआउट करते हैं, उसे शरीर पर असर नहीं पड़ेगा। वर्कआउट भी कम से कम 1 घंटे करिए तब पसीना आएगा, तब जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव होगा। 10 मिनट कितना भी तेजी से करो उल्टा मसल पुल हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ खिंचाव आ जाएगा। तो इसी तरह बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट भी कमाना चाहिए और अपनी कैपिटल के हिसाब से टर्नओवर भी करना चाहिए। अब यही ना, इसमें सारे रेशियो आ जाएंगे बेटा। आगे चले, देखिए मैं इसको और बांटता हूं। अगला पेज लीजिए, तो छतरी बनानी है मुझे। अगला पेज लीजिए, फ्रेश पेज लीजिए। तो और एक पेज पे बस यही रखेंगे, खबरदार जी उस पेज पे और कुछ लिखा। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बेटा जी, और इधर क्या है, खूब साफ साफ लिखना है जगह छोड़ छोड़ के, कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो। अब मानते हैं इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या है भाई, ये बात मानते हो ना कि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आरओआई है? अब ध्यान से सुनना, ये दो बातों पे डिपेंड है। एक तो जीपी रेशियो पे, आप सब जानते हैं जीपी रेशियो नहीं हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहां से हो जाएगा। जिसका जीपी रेशियो 20% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 थोड़ा हो जाएगा। ऑपरेटिंग है तो 20 होगा या 20 से कम, थोड़ा बहुत तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा ना भाई। लेकिन केवल जीपी रेशियो से भी नहीं होता, आपको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा जी, तब जाके बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब जीपी रेशियो कैसे होता है हम सब जानते हैं। जीपी रेशियो भी ऐसे नहीं होता
बहुत सावधानी से रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो को कम करना पड़ेगा, चाहे आधा परसेंट हो, चाहे 0.25% हो, चाहे 0.5% हो, चाहे 1% हो। हम जानते हैं जितना कम करेंगे उतना फर्क पड़ेगा, सही कि गलत। फिर सुनिए, अपने लेबर या वेजेज रेशियो को कम करना पड़ेगा, सही बात है भाई, और अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रेशियो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस याद आया, आज कॉस्टिंग में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ओवर हेड। तो सभी लोग अब सब सेकंड ग्रुप के हैं, सब लोग आज अपनी क्लासेस करेंगे, कोई गायब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गायब होंगे ना बेटा तो बड़ी दिक्कत होगी। ओवर हेड एक ऐसा चैप्टर है जो प्रोसीजरल है, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है ना। तो 5 क्लास में तो उसके एक एक स्टेप होंगे, और तब 6ठी 7वीं में जोड़ा जाएगा। बहुत बहुत प्यारा, मतलब ध्यान से पढ़ा तो बहुत ही प्यारा टॉपिक। आप रेशियो देख लो, रेशियो भी पॉसिबल है कि नहीं, कहां से शुरू किया था, जीपी रेशियो से, लेकिन 1 हफ्ता हो गया। हाँ बेटा, लास्ट में था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रेशियो, ओवरहेड, और इसके अंदर तो पता है एडमिनिस्ट्रेशन और सेल होता है। तो देखो, अगर किसी को अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाना है तो पता है क्या करना चाहिए, जाइए अपनी फैक्ट्री में, कंट्रोल कीजिए मटेरियल की प्राइस और मटेरियल के कंजम्पशन पे, अपने वर्कर को ट्रेंड कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, सैलरी मत कम कीजिए, वो तो गलत हो जाएगा। किसी की सैलरी कम कर देना कोई तारीफ की बात थोड़े ना है, बताइए क्या करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़वा लीजिए, उनसे बेहतर काम लीजिए, ठीक बात है कि नहीं। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कम कीजिए, पावर कैसे कम हो, रिपेयर मेंटेनेंस फालतू का लग रहा है, और भी खर्चे हो रहे हैं उनको बचाइए, जीपी अपने आप इंप्रूव करेगा। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कीजिए, या जरूरत हो वहां कीजिए, नहीं जरूरत हो मत कीजिए, ठीक बात है कि नहीं। अपने आप आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बेटा बढ़ेगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो कोई कारण नहीं है कि आपका आरओआई ना बढ़े। तो आरओआई ना दिल्ली के ऑफिस में बैठ के कोई माइकल नहीं बढ़ा सकता है, दिल्ली के ऑफिस में तो केवल प्लान कर सकते हैं आप। आरओआई बढ़ाने के लिए रुद्रपुर में जो आपकी फैक्ट्री है ना, वहां पे जो फ्लोर मैनेजर है ना, उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि मटेरियल का वेस्टेज ना होने दे, समझ रहे हो इस बात का। वर्कर की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, बेकार के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव ना हो। आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को ध्यान देना पड़ेगा, सेलिंग वाले को ध्यान देना पड़ेगा, बेकार के खर्चे ना हो, खर्चे हो तो उसका रिटर्न मिले, तब ना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होगा तब ना आपको आरओआई मिलेगा। टीम गेम है बेटा, कैप्टन केवल सोचे कि हम जीत जाए तो नहीं होगा, उसके लिए हर बैट्समैन को बढ़िया खेलना पड़ेगा, हर बॉलर को कसी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और हर फील्डर को अपनी जान लगानी पड़ेगी, ठीक बात है कि नहीं। चलिए आगे चलिए, अब केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी नहीं होता, हम जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन से टर्नओवर पे होता है वो भी तो जरूरी है। तो भैया टर्नओवर भी तो हो, 2-4-10 लाख रुपए की सेल करने वाला क्या कमा लेगा, मान लो कुछ चाय की टपरी खोल के बैठा है, क्या कमा लोगे, घर चलिए बड़ी बात है। लेकिन वैसे ही चाय की टपरी अब 200 खोल दो और सबसे थोड़ा थोड़ा भी कमाओ, अब बताओ बिजनेसमैन हो गया, स्टार्टअप हो गया, एमबीए चाय वाला, सीए चाय वाला, मतलब स्केल भी तो बहुत जरूरी है स्केल। मैं स्टॉक मार्केट में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा हूं, अब 2 लाख पे मैं महीने का मैं 10% कमा लेता हूं तो कितना कमा लूंगा, 20,000 कमा लूंगा। लेकिन मैं 100 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठा हूं, महीने का 2% भी कमा लूंगा, गेटिंग माई पॉइंट माई डियर। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े बिजनेसमैन स्केलिंग ही तो करते हैं। बिजनेस में कहा जाता है जिस चीज की स्केलिंग नहीं कर सकते वो बिजनेस नहीं करना चाहिए, जिसकी स्केलिंग मतलब बड़े लेवल पर नहीं कर सकते हैं उस बिजनेस में मेहनत करके आप गलती कर रहे हैं, वहां पे कोई काम करने का मतलब नहीं है। सर वेजेज रेशियो से पहले क्या लिखा है, बेटा लिखा है रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो, कौन है, केशव। इतने दिन हो गए अभी आरएमसी नहीं समझा आपने, गलत बात है। और ध्यान की तरह मैंने बोला भी रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो लिखते समय, अब मैं पूरा ही लिखूंगा,
गजब यार, इधर आओ, शिकायत है मुझे आपसे, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। आगे इधर आइए, इधर आइए। कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो जानते हैं दो बातों पे डिपेंड है, एक तो भैया जी फिक्स्ड एसेट और एक वर्किंग कैपिटल। दो ही चीजें में तो पैसा लगता है, पैसा कहां लगता है मुन्ना, ठीक है कि नहीं, पैसा कहां लगता है? अलर्ट रहो माइंड में, जब यहां बैठो ना तो तुम मुझे जज ना करो, मैं तुम्हें जज ना करूं, सब्जेक्ट को जज करो। अपने आसपास ही मेरे को कौन क्या पहन के बैठा है, कौन परफ्यूम लगा के बैठा है, सब भूल जाओ, सब्जेक्ट में आओ। हम जानते हैं बिजनेस में पैसा दो जगह लगता है, या तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट व्हीकल्स, या स्टॉक डेटर क्रेडिटर ओवर, ठीक बात कर रहे हैं। अब देखो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब कम से कम फिक्स्ड एसेट में ज्यादा से ज्यादा करो। आप जानते हो आजकल ना एसेट लेडन बिजनेस को अच्छा नहीं मानते, जैसे देखना तुम होटल वगैरह अगर अपना खोल के काम करना चाहोगे ना तो तुम्हारे शेयर के दाम ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक होटल खोलने का मतलब 200-300 करोड़ फाइव स्टार होटल, और कमाई तो उसी में है, या एक रिसोर्ट का मतलब 70-80-90-100 करोड़। तो आजकल एक नई सिस्टम की बात आई है कि होटल खुद का खोलने की बजाय मैनेजमेंट इफिशियंसी डेवलप करो, और जो लोग होटल ठीक से नहीं चला पाते हैं उनका होटल भाड़े पे ले लो, वो भी कमाओ और आप भी कमाओ, उसी होटल से आप ज्यादा बेहतर कमाओ। जैसे आपने देखा होगा ताज होटल, जरूरी नहीं कि सब ताज वालों का ही हो, टाटा वालों का ही हो, जैसे आपने देखा होगा मौर्य सरेटन, या आपने वो देखा होगा रेडिसन ब्लू रेड ग्रीन, या एक और नाम है सरेटन, कौन है यार, नहीं यार मैं नाम भूल रहा हूं यार, मरियट, JW मरियट, मरियट के अपने होटल कहां इंडिया में, एक भी उसका नहीं है, वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो किसी बढ़िया जिसका प्रॉपर्टी होता है होटल की उससे बात करता है कि देखो भाई तुम अपना सिंडल नाम से चला रहे हो, तुम क्या कमाते हो, तो बताता है जी भाई हमारी क्या कमाई, हम पर रूम का 3,000 रुपए लेते हैं, 4,000 रुपए लेते हैं, और ये बड़ा खर्चा है, दुखी हूं मैं। बोलता है काहे को दुखी हो रहे हो, हमें दे दो, तुम्हें 4,000 रुपए पर रूम दिया, और बताओ दिया 4,000 रुपए, अब हम क्या लेंगे, तुम टेंशन मत लेना। और वो कुर्सी को थोड़ा सजा धजा देता है कुछ, मतलब एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं ना, उसका काम है डेली उसको आता है, उसने थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, अब उसी को 15,000 रुपए वेबसाइट पे डाल दिया, उसका पहले से नाम है, एक कस्टमर बेस है, सब लोग आते हैं 15,000 रुपए देते हैं, 15,000 में 10,000 उसका हुआ जिसमें अपने खर्चे उर्चे कर दिया, मालिक को 5,000, मालिक भी अपने घर खुश और हम भी खुश, इससे क्या है पैसे नहीं लगाने पड़े। अब देखो कि पेप्सी या कोक वगैरह कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, डू यू नो दे डोंट हैव ए फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, एक फैक्ट्री नहीं है भाई साहब उनकी। अब कल मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने देखा कि गुटके वाले 100-200 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, कोई कानपुर में कोई गुटका वाला पकड़ा गया जो जीएसटी नहीं दे रहा था, बता रहा 10-15 करोड़ का टर्नओवर, जबकि उसका रियल टर्नओवर 15 मतलब 150 करोड़ है, तो वो अपने ब्रांड से नहीं बेचता है, बिमल का बना दिया, ये जिसका खूब बन रहा है मतलब बिक रहा है मार्केट में ना, उसको बना के माल दे दिया। इसका मतलब बिमल अपनी फैक्ट्रियां नहीं खोल रहा, वो फोकस कहां कर रहा है, मार्केटिंग पे मैनेजमेंट पे, बिमल बिमल बार बार युवा केसरी, अब बिहार का है तो बिहार में बनवा लिया, बंगाल का है तो बंगाल में बनवा लिया, सेम बिस्किट वाले। अभी पीछे एक अपना स्टूडेंट आए थे 2002 में पढ़े थे, वो तो एक दिन ऐसे ही घूमते हुए आगे के सरमगर से गुजर रहे थे, तो इमोशनल हो गए कि यहाँ हमने अपनी बहुत सारा समय बिताया था फाउंडेशन से इंटर तक, तो हम सोचे कि थोड़ा आपसे मिल लें। हमने कहा भाई कर क्या रहे हो, तो बोला हम अग्रवाल फूड्स में CFO हैं। हमने कहा नाम कभी नहीं सुना, क्या ब्रांड है, बोला हमारा कोई ब्रांड नहीं है, हम सबका ब्रांड बनाते हैं, मतलब हम विटामिन का भी बनाते हैं, हम पार्ले जी का भी बिस्किट बनाते हैं, हम लोग जिसका जो ऑर्डर आता है, हम लोग स्पेशल एक महाराष्ट्र में फैक्ट्री खोल रहे हैं, काहे के लिए तो जियो मार्ट वो रिटेल का आ रहा है, रिलायंस रिटेल का कोई बिस्किट का ब्रांड है तो उसका हमें ऑर्डर मिला है, साल में 100 करोड़ का माल उनको ट्रांसफर करना है। तो मैंने कहा कितनी फैक्ट्री, बोला सर हमारी 8 फैक्ट्रियां हैं अलग अलग स्टेट में, हम बनाने पे ध्यान देते हैं और पार्ले जी बेचने पे ध्यान देते हैं,
बनाते हैं, आपने देखा होगा कोई भी सामान खरीदिए तो लिखा हो मार्केटेड बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय, ध्यान देते हो? तो आजकल जो मार्केटिंग वाले हैं ना, देखो इससे बढ़िया एग्जांपल मैं क्या बताऊं, एप्पल विदाउट हैव ए फैक्ट्री, एप्पल फोन मोबाइल की कोई फैक्ट्री नहीं है, चाइना में एफकॉन बनाता है फॉक्सॉन, इंडिया में टाटा वाले बना रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं बनाता वो तो हर साल रिसर्च करके उसको और बेटर करने पे ध्यान देता है, मार्केट करने पे ध्यान देता है, बेचने पे ध्यान देता है, बनाने का काम किसी और को, बनाने में ही तो फैक्ट्री लगती है, बनाने में ही तो बड़ी फैक्ट्री कैंपस मशीनें चाहिए, बेचने में तो ऑफिस चाहिए, वो भी रेंट पे बड़े आराम से मिल जाता है शहरों में। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट कम से कम, कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम, आरओआई अपने आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टर्नओवर तो खूब होगा हम सेल्स पे ध्यान देंगे तो। कितना बिजनेस बारीकी है, हम लोग बिजनेस को जो समझते हैं ना बेटा, बिजनेस उससे कहीं ज्यादा, बहुत सारी गहराई की बातें मैं नहीं बता पाता, मुझे खुद नहीं आता। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट खूब स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, बिजनेस बेटा अकाउंट से काफी अलग चीज है। अकाउंट तो एक क्लर्कियल काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग कभी नहीं करते, लेकिन हमें अकाउंटिंग आना चाहिए ताकि हम देख सकें, समझ सकें, कंट्रोल कर सकें, हमारे अंदर कोई गलत ना कर सके। सीए को कोई अकाउंट करने के लिए नहीं रखता, वो तो प्लस टू को सिखा दे बात खत्म, ये काम हमारा है। आपको पता होगा जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्सपर्ट को हायर करती हैं जो उनको एनालिसिस करके बताए कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए पब्लिक से, किस मुद्दे को टच करना चाहिए, किस मुद्दे को, इसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स को रखते हैं। नाम आपने सुना होगा प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर की कंपनी यही काम तो करती थी पिछले 20 साल से, उसको कोई भी हायर कर सकता है। कांग्रेस का कहो तो कांग्रेस का आपको इलेक्शन में मदद करेगी, बीजेपी वाले बोलो तो पैसे से में मतलब है भाई, पैसा दो हम तुमको जितवाते हैं, और सही में जितवा देती थी वो, कि कौन सा मुद्दा टच करना है। इसके लिए क्या करती थी वो, पब्लिक को भांपती थी, पब्लिक का पूरा जातिवादी कास्टवादी, क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है बिना धर्म बिना कास्ट के कोई इलेक्शन तो होना नहीं है, कितने भी विकास की बातें कर लो लेकिन अंतिम में वोट जो देने आदमी जाता है वो कैसे देता है, कास्ट के बेसिस पे देता है, धर्म के बेसिस पे देता है, न चाहते हुए भी। पढ़े लिखे लोगों का भी यही हाल है, इसी का वो फायदा उठाते हैं, वो पूरा पढ़ के रखते हैं। तो कौन सा देने से, अपने मायावती जी को देखा होगा, उनका एक वोट बैंक है शेड्यूल कास्ट का, एसटीएससी का, ठीक बात है। तो बताए क्या करती है, वो टिकट देती है ब्राह्मणों को, बताओ क्यों, वो वोट तो मिल रहे हैं मायावती के नाम पे, और ब्राह्मण अपने नाम पे कुछ और ले आएगा, हो गया काम, सीट निकल गई। बीजेपी आपने देखा होगा टिकट देंगे ओबीसी को, उनका अगली जाति का वोट बैंक है, तो उसको अगली जाति क्या करेगा, जो देगा ही देगा हमें। अगर हमने किसी यादव भाई को टिकट दे दिया तो कुछ ओबीसी का भी मिल जाएगा, कम से कम जो उसका कैंडिडेट खड़ा है कटिंग तो होगी, तो इस तरह से उनका काम क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस करके चलते हैं, ये तरीका उनका। चले जाने दीजिए, हम पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहे, हम बिजनेस पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा एसेट लेडन मॉडल बहुत अच्छा नहीं होता। ये जितने भी रिलायंस फ्रेश वगैरह आपने देखो सब भाड़े पे है, डू यू नो, सब भाड़े पे, ठीक है उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेल्स करके उसको मेकअप करेंगे, अपना खोले तो कितना खोल लेंगे। आगे आइए, दूसरा वर्किंग कैपिटल में हम सब जानते हैं मेन तीन बातें होती हैं, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर, दूसरा बताइए बेटा डेटर या रिसीवेबल टर्नओवर, और तीसरा बताइए बेटा क्रेडिटर टर्नओवर। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा ना तो ये चार्ट ना बना के उसको अपने दीवार पर लगा देना चाहिए और देखना चाहिए कि गलती कहां है। स्टॉक टर्नओवर को इंप्रूव कीजिए, डेटर टर्नओवर को इंप्रूव कीजिए, और क्रेडिट टर्नओवर जितना कम हो उतना अच्छा, अपने आप आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर बढ़ जाएगा, सही कि गलत। और ये दोनों अगर बढ़ गया तो कैपिटल इंप्लॉयड तो ना चाहते हुए भी बढ़ेगा, और कैपिटल इंप्लॉयड अगर बढ़ गया तो आरओआई तो ना चाहते हुए ही बढ़ेगा, और आरओआई बढ़ा तो बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, कितना बढ़िया है। हाँ कर देते हैं, कर देते हैं।
देखा आप सब लोगों ने, लिखिए इसको। अब सब जानते हैं जो एक्सरे करता है सैलरी उसकी ज्यादा नहीं होती है, जो एक्सरे पढ़ के कंक्लूजन निकालता है डॉक्टर सैलरी उसकी ज्यादा होती है। सही कह रहा हूं? एक्सरे करने वाले के तो मेरे ख्याल से 20-25 हजार रुपये सैलरी होती होगी। एक्सरे जो कर रहा है यानी कि जो अकाउंटिंग कर रहा है सैलरी उसकी ज्यादा नहीं होगी। अकाउंट को देख के जो समझ रहा है वैल्यू उसकी ज्यादा है। लिख लिया सबने? तो मुझे भी ये रेशियो ना डू पॉइंट एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं बिजनेस कर रहा होता तो इसका बहुत ध्यान देता, लेकिन हम लोग का तो खैर प्रोफेशन है तो इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं आता। प्रोफेशन में थोड़ा पैसन दीवानगी भी चलती है। हो गया बेटा, कहो तो आगे चले। स्टॉक मार्केट में जब मैं कभी शेयर खरीदता हूं तो इसका जरूर ध्यान देता हूं। आजकल तो कौन सा मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में अगर आपने मेंबरशिप ले लिया तो सभी कंपनियों के रेशियो वगैरह सब करके दिखाते हैं। 1,000-1,200 रुपए लेते हैं साल का और आपको पूरा करके दिखाएंगे हर कंपनी का। एकदम उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, बायोटा बना रखा होता है अपने साइट पे। आप आराम से जाइए कंपनियों को देखिए और फिर बात कीजिए। मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूं तो पहली कोशिश यही करता हूं कि कंपनी लॉस मेकिंग ना हो। पता नहीं लॉस मेकिंग कंपनी से मुझे बड़ी चिढ़ है। इसका मतलब मैं समझता हूं उसको धंधा करना नहीं आता। जब तुम्हारा माल प्रॉफिट पे ना बिके ना तो इसका मतलब तुम्हारे माल में दम नहीं है। बड़ी सीधी बात है, अगर तुम अपना काम प्रॉफिट पे नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारे काम में दम नहीं है। वरना बिजनेस में तो भाई बिजनेस होता ही प्रॉफिट के लिए। तो मैं लॉस में कंपनी से 2 हाथ की दूरी रखता हूं, उसमें मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मैं प्रॉफिट मेकिंग को महंगा भी खरीद लूंगा, आई डोंट केयर, लेकिन लॉस मेकिंग ना भाई ना, नेवर। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जब होगा तब ले लेंगे, महंगा ले लेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हमेशा रिस्क होता है। मान लो नहीं हुआ तो पेटीएम देख लो, 2100 रुपए पेटीएम लोगों ने खरीदा, आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं, कई तो बेच के निकल गए। 400 पे चल रहा है, 400 भी ज्यादा है, उसका रियल प्राइस 20 रुपए भी नहीं होना चाहिए। मुझे आज भी याद है जिस समय जोमेटो का पब्लिक ऑफर हो रहा था, वो भी बड़ा महंगा हुआ था, मुझे फिगर नहीं याद है, 200-300 रुपए पे हुआ था। तो राकेश झुंझुनवाला से लोगों ने पूछा कि 200-300 रुपए ठीक है प्राइस, पता नहीं जोमेटो था या पेटीएम था, मुझे याद नहीं आ रहा। राकेश झुंझुनवाला तो मर गए, चार्टर्ड अकाउंट था, वो पता होगा, 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो आज की तारीख में उनका। तो उन्होंने कहा कि ये पेटीएम तो मैं पूरी कंपनी 10 लाख में खरीद सकता हूं, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा पूरी कंपनी, जबकि इसी हो रहा था 15,000 करोड़ का। बोला कि मैं किस लिए पैसा दू, शो मी द मनी देन आई विल गिव यू द मनी। पहले काम दिखाओ, कमा के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ऐसे मैं क्यों पैसा दू? मतलब उसने हंसते हुए बोला कि मैं 10 लाख रुपए मुझे पूरा पेटीएम मिले ना तो मैं विचार कर सकता हूं, इसे 1 रुपया फालतू मैं नहीं देने वाला। ये 15,000 करोड़ और 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन मेरे दिमाग में तो भाई नहीं आ रही। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल पैनी। मैं टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जहां प्रॉफिट हो रहा है, मैं रिलायंस की कंपनी में करूंगा, हजारों कंपनियां जो प्रॉफिट कमा रही है मैं वहां करूंगा, इनमें क्यों करने जाऊं मैं। और देखो उसकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। 2100 रुपए में इशू हुआ था से 2-3 साल पहले, या 400 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और जिस हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं बहुत जल्दी 40 रुपए होने वाला है, 4 रुपए होने वाला है। तो प्रचार पे मत जाइए, परफॉर्मेंस पे जाइए। प्रचार कई बार धोखे दे देता है। आगे आइए, चलो बेटा अब जरा प्रॉफिट रेशियो टर्नओवर रेशियो को रखो साइड में, थोड़ा आगे बढ़ने की बात है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा
सभी नए बच्चे जागरूक हो जाएं, अब नई बातें पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेटा जी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी बड़ा मुझे मजेदार लगता है। ये कौन रेशियो है? तो भाई दे एक्सप्लेन द, एक क्वेश्चन करा देंगे डरू जाओ, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ऑन टाइम। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को लोग लिखते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, करेंट लायबिलिटी। भाई ये कौन सा रेशियो है लिक्विडिटी? तो देखिए, गांव के अंदर अगर किसी को पता हो तो शादी ब्याह में कई बार ना हीरो बाइक लोग ले लेते हैं, या आजकल थोड़ा फैशन है बुलेरो ले लेते हैं, लेकिन बुलेरो ज्यादा समय घर पे ही खड़ी रहती है क्योंकि उसमें डालने के लिए तेल चाहिए और तेल ही नहीं हो पाता क्योंकि पैसा नहीं है। खेत तो बहुत है लेकिन खेतों में बीज डालने के लिए पैसा नहीं है। कईयों के साथ ऐसा होता होगा, जो गांव के रहने वाले होंगे उनको पता होगा, फर्टिलाइजर का पैसा नहीं है, पानी का पैसा नहीं है, लेबर को देने का पैसा नहीं है, है तो टाइम पे नहीं दे पाते, उधारी लगा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं। शहर में टॉपर्स कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं समय से, बार बार मीटर कट जा रहा है, आप अपनी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप अपना जीएसटी नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब देखो, आपके पास एसेट है, चलो मान लिया आपके पास 50 करोड़ के खेत है, 100 करोड़ के खेत है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है आपके पास, क्योंकि पेट्रोल खेत बेच के नहीं भरा जाता, पेट्रोल तो कैश से भरा जाता है। ठीक बात है कि नहीं? तो ये बताते हैं कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना लिक्विड एसेट रखता है कि अपने लिक्विड लायबिलिटी की समय पे पेमेंट कर सकता है। देखो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस की बदनामी होगी, बिजनेस में रुकावट आएगा। आपकी कितने भी बढ़िया कार हो लेकिन पेट्रोल खत्म हो ना बेटा तो दुख दुख करके बंद हो जाएगी। कितने भी अच्छी कार हो फिर धक्के लगाते हुए आप अच्छे नहीं लगेंगे ना। कितनी भी बढ़िया स्कूटी हो वहां भी वही बात है, चार्ज खत्म बात खत्म। मोबाइल कितना भी अच्छा आप ले लें लेकिन भैया महीने का 250-250 रुपए का रिचार्ज भी कराना होता है, जरूरी होता है। मोबाइल 1 लाख का ले लिया, रिचार्ज के 300 रुपए नहीं हो रहे, तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। चलिए ना, हम आप ही में से बात करते हैं। कितने भी गामा पहलवान हैं, खूब मसल अगर आपने बना रखा है, लेकिन अगस्त ये अप्रैल का महीना आ रहा है, इसमें एकदम से गर्मी बढ़ती है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी डिहाइड्रेशन हो जाता है। जिसका रात भर डिहाइड्रेशन हो जाए, सुबह उससे बात करो, बताओ भाई कितना ताकत महसूस कर रहे हो, क्या कहता है वो? अरे बाथरूम नहीं जा पाता, दीवार से खड़े होके बात, बड़ी मुश्किल से बाथरूम जाता है, जबकि मसल एकदम ये रहा। ठीक है कि नहीं? फिक्स्ड एसेट तो पूरा है, शरीर में किस बात की कमी हो गई? लिक्विड एसेट्स की, लिक्विड एसेट्स की कमी हो गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या कहता है? भाई एकदम लेट जा, फटाफट लेट जा, और सलाइन क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज या जो भी बोलते हैं, फटाफट उसका एक ही इलाज है, नमक पानी पियो, चीनी नमक पानी पियो, नारियल पानी पियो, छाछ पियो, दाल का पानी, मतलब लिक्विड जितना ले सकते हो लो। फिक्स्ड एसेट तुम्हारे पास है बट यू डोंट हैव लिक्विडिटी, एक ही उसके इलाज, और कोई इलाज तो है नहीं। तो देख लीजिए आप, एक इंसान की हालत 1-2 दिन में खराब हो सकती है, तो कंपनी की हालत 2-3-4 महीने में खराब हो सकती है, लेकिन लिक्विडिटी मेंटेन, इसीलिए लिक्विडिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आइए इसको कैसे चेक करें कि बंदे की लिक्विडिटी ठीक है कि नहीं है, कैसे करें? आइए, इसमें 2-3 रेशियो, ज्यादा रेशियो नहीं है इसमें, और वही सब लोग इस्तेमाल करते हैं, है तो 1-2 ही, लेकिन लोगों ने खींच खाच के 3-4-5 बना दिया कि थोड़ा सा होना ही चाहिए। देखिए,
पहला बहुत ही फेमस है, परसों मैंने एक क्वेश्चन में आ गया था तो करा दिया था थोड़ा सा। नाम से क्लियर है, करंट, करंट बाय करंट, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब क्या मतलब है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, थोड़ा वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए वैसे तो हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं लिखना चाहता हूं, करंट एसेट्स का यहां जो मतलब है वो मतलब है कि एनी एसेट विच इज कैश और एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इंटू कैश विद इन 1 year फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। देखो और कहीं कुछ करंट एसेट के डिफिनेशन होगी उस पर मत जाना, मुझे और कहीं के करंट एसेट से मतलब नहीं, मुझे लिक्विडिटी के लिए मतलब है, तो लिक्विडिटी के लिए यही डिफिनेशन है, क्योंकि आप जानते हैं जरूरत के मुताबिक डिफिनेशन बदलता रहता है। विच एनी एसेट विच इज कैश या तो कैश है और एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन 1 year फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, एक साल के अंदर कन्वर्ट होने की क्षमता जिसके अंदर है। ठीक है बालक, जैसे ऑफकोर्स कैश तो होगा ही होगा, बैंक होगा ही होगा, लेकिन बैंक करंट अकाउंट वाला, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे मतलब बेटा एफडी हो साल भर के अंदर का, शेयर हो, ऐसा शेयर जो हम बेचने के लिए रखे हुए हैं, किसी को याद हो इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में कॉन्सेप्ट आया था करंट इन्वेस्टमेंट, याद आया किसी को, तो करंट इन्वेस्टमेंट हो, वो सारी चीजें हो। और आगे बढ़े, जैसे कि रिसीवेबल हो, डेटर बोलते हैं जिसको हम, लेकिन डेटर बेटा प्रोविजन घटा के, क्योंकि प्रोविजन मिलने वालने वाला होता तो है नहीं, प्रोविजन घटा के। इसके अलावा आप स्टॉक ले लें, प्रीपेड एक्सपेंस ले लें, हालांकि कई लोग प्रीपेड एक्सपेंस में नाराज होते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस में पैसा थोड़ा ना आता है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस का एक फायदा होता है बेटा, आगे पैसा देना नहीं पड़ता और आपका काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने हॉस्टल वाले को 1 महीने का एडवांस दे दिया मार्च महीने का, तो फिर मार्च में मांगने तो नहीं आएगा ना वो, जिसने मार्च महीने का मान लो आजकल में आपने रेंट दे दिया तो क्या दोबारा मांगने आएगा, नहीं नहीं भाई और दे दो पैसे। मान लीजिए आपने मजदूर को 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी है तो ठीक है, पैसे तो नहीं लौटाएगा, पैसे तो कहां से देगा, वो खा पी गया, लेकिन उससे कहोगे कि भाई देखो मुझे काम कर दो 2 महीने, तो मना थोड़ा ना कर पाएगा, बोले ठीक है सर काम करवा लो। तो इस तरह से ये सब चीजें हमें यहां पे लेनी है, और भी जो आपको ऐसा लगता है वो सब चीजें इसमें आएंगी, ले लीजिए। अगर कोई स्टेशनरी इन हैंड वगैरह है तो भी एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस ही है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया बेटा, करंट एसेट फॉर दिस पर्पज, याद रहेगा। इसी तरह से जो करंट लायबिलिटी लिखना है किसी को, लिख लो बेटा फिर से बोलो, हाँ करंट अकाउंट। लॉन्ग टर्म वाली एफडी मत लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाली एफडी हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई है, लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, क्योंकि तुमने 10 साल के लिए रखा हुआ है। देखो मुसीबत पड़ने पे तो आदमी अपना लैंड एंड बिल्डिंग भी बेच दे, लेकिन वो मेरा बिजनेस नहीं है ना। अब मान लो मैं बिजली बिल नहीं दे पा रहा हूं, मैंने एक बिल्डिंग बेच के बिजली बिल पे कर दिया, मैं कार में पेट्रोल नहीं भरा पा रहा, मैंने अपनी स्कूटी बेच के पेट्रोल भरवा लिया, तो ये तरीका थोड़े ना है। मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा, मैंने अपने रूम पार्टनर का मोबाइल बेच के रिचार्ज करवा लिया, ये कोई बात हुई? धंधे से निकालिए, अपने बिजनेस से निकालिए इतना एसेट,
चलें हटा दो बेटा इसको। अब आइए दूसरा क्या है भाई, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब है लायबिलिटी विच इज ड्यू विद इन, ड्यू मतलब एक्सपेक्टेड टू बी पेड, वन ईयर फ्रॉम, बताइए कहां से, बैलेंस शीट डेट। इसे मान लीजिए 31 मार्च 2024 है तो 31 मार्च 2025 के पहले पहले जिसका पेमेंट करने की उम्मीद हो। देखिए जिसमें सबसे मेन तो सप्लायर होंगे, ठीक बात कह रहे हैं, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई याद है। सप्लायर से कितने दिन का उधार लेते हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स वाले का, लंदन बिल्डिंग का उधार तो 5 साल का भी हो सकता है, लेकिन ये बताइए, अरे ये तो 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, ज्यादा बोलोगे तो माल ही नहीं देगा, वो बोलेगा भाई सब रहने ही दो। रूटीन वर्क में जितना समय लग जाए, जैसे सीजनल होता है तो सीजन से शुरू में दे दिया, सीजन के लास्ट में पैसे वसूल लिए, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे ही बिजनेस चलता है दुनिया में। चलो क्रेडिटर्स के बाद बात करते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो दुनिया में कोई भी बिजनेस करो, छोटा मोटा, देखो बिजली का बिल हो गया, मजदूरी हो गई, सैलरी हो गई, ये तो चलता रहता है। टॉपर्स में भी देखो थोड़ी बहुत उधारी तो चलती ही रहती है, जिससे टॉपर्स में प्रिंटिंग बहुत अब की बार हुआ तो उनका 10 लाख का बिल बाकी है, तो इतना चलता है, उन्होंने फरवरी में दिया है, मार्च में पैसे ले लेंगे, कहते हैं सर हमें भी आगे से पेपर ऐसे मिल जाता है, मतलब 1 महीने की उधारी पे हमें पेपर मिल जाता है, बाकी तो हमारा अपना मजदूरी है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी पता है कि भाई ऐसे ही काम चलना है, तो लेकिन उनको मार्च में मैं ना दूं या मैक्सिमम अप्रैल में ना दूं तो थोड़ा उनको दिक्कत होती है, फिर वो थोड़ा है ना आगे से ऑर्डर एक्सेप्ट करने में शर्माएंगे, सकुचाएंगे, या हमारा काम बाद में करेंगे, उनको पता ही उधारी वाली पार्टी है, बहुत बाद में पैसे देता है, लेकिन समय पर दे दें तो एकदम राजी खुशी, अरे सर लाओ ना और काम लाओ, समझ गए इस बात को। चलिए इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, देखिए प्रोविजन दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे ग्रेच्युटी, पीएफ, वो आज से 20 साल 30 साल 40 साल बाद जब रिटायर होंगे तब होंगे, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। एक होता है शॉर्ट टर्म, जैसे टैक्स, आपको पता ही, आप तो इनकम टैक्स के आप विद्वान होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जमा कराना होता है, ये आपने सुना, वैसे तो देखो साल में जमा कराना होता है एडवांस टैक्स के नाम पे, याद है किसी को, लेकिन साल में नहीं भी कराओ तो कम से कम रिटर्न भरने से पहले तो करा ही दो, तभी रिटर्न भर पाओगे। ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है। अच्छा मान लो ग्रेच्युटी हमें पे करना है 50 करोड़, लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई वर्कर तो बहुत दिन से लगे हुए हैं, उसमें से 2 करोड़ ऐसी है जो अगले साल रिटायर होने वाले हैं, वैसे तो देना है 50 करोड़ कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 30 साल बाद, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे इंप्लॉई हैं जो पुराने हो गए हैं, अगले साल रिटायर होने वाले हैं और 2 करोड़ देना है, आप बताइए, तो वो जो अगले साल देना है वो प्रोविजन शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक बात है कि नहीं। मुझे इतना पता है 1 साल के अंदर जो होगा बेटा वो ले लेना, ओके। और सुनिए मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म लोन है लेकिन उसकी एक इंस्टॉलमेंट देनी है, इस साल हमने मान लो 100 करोड़ का लोन ले रखा है, 10 करोड़ इस साल देना है 31 मार्च से पहले, क्या वो शॉर्ट टर्म है, क्या वो देना है आपको। देखो 100 करोड़ का लोन है, हर साल 10 करोड़ देना है, यानी कि 10 करोड़ इस साल तो देने ही है, आप 90 की बात मेरे से मत करो, सुना बच्चों ने, 90 मैं भूलने को तैयार हूं लेकिन 10 भी भूल जाऊं, 10 तो आपकी बार देना है ना, व्यवस्था कहीं ना कहीं से, नहीं तो बेचती होगी, मार्केट में गुडविल खराब होगी, क्रेडिट रेटिंग कम होगा आपका। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है जो दुनिया वाले आपको देखते हैं और आपके बारे में अपना ओपिनियन बनाते हैं, इसके लिए स्पेशलाइज एजेंसी होती है, फिल्मों की रेटिंग नहीं होती है, जिसकी रेटिंग 4 हो इसका मतलब फिल्म अच्छी है, 3.5 हो एवरेज है, लेकिन 2 हो 1 हो इसका मतलब फिल्म महा बंडल है, रद्दी है। मैं तो कोई भी फिल्म देखने से पहले रेटिंग जरूर देखता हूं, तो सिनेमा हॉल में कौन इतना टाइम बर्बाद करे, कम ही देखता हूं, साल में 2-4 ही देखता हूं, लेकिन ठीक ठाक होता है तभी देखता हूं। एक मुझे अच्छा लगा 12 फेल,
तो सबसे लास्ट मैंने वही मूवी देखी थी, वो भी मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो ही गया। थ्री इडियट्स मैंने देखा था, उसकी रेटिंग बड़ी अच्छी आई थी, तो मैंने थ्री इडियट देखा, सही में बड़ा इंटरटेनिंग लगा, बढ़िया लगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे हमारे जैसे लोग जिनके पास समय का अभाव होता है वो रेटिंग देख के फिल्म देखने जाते हैं, वैसे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रेडिट रेटिंग देखते हैं। अगर क्रेडिट रेटिंग खराब है तो उसको कोई लोन वोन नहीं देता, नहीं देता। आगे चले, आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद बात करें तो वही ना, रुको ना, लॉन्ग टर्म लोन इंस्टॉलमेंट पेबल कौन से साल में? इन करेंट ईयर, मैंने करेंट ईयर गलत लिख दिया, इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 1 साल के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा बैंक ओडी और आपने सुना हो, वो भी जानते हैं, डिमांड होता है, मतलब जब चाहे बैंक मांग सकता है, उसमें कोई पीरियड नहीं होता, 5 साल 10 साल। या आपने एक और सुना होगा कैश क्रेडिट, ये दोनों ही डिमांड लोन होते हैं जिन्हें कभी भी आपसे वापस मांगा जा सकता है, ये डिमांड लोन है। एक होता है टर्म लोन, टर्म लोन का मतलब होता है जिसका कोई समय हो, 2 साल 4 साल 10 साल, और एक होता है डिमांड लोन विच कैन बी डिमांडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये शॉर्ट टर्म बैंक ओडी के बारे में बड़ा अच्छा है कि बैंक ओडी, अगर आपका सिचुएशन अच्छा है तो बैंक वाला कभी नहीं मांगेगा, और सिचुएशन थोड़ा खराब हुआ सबसे पहले वो आपकी बैंक ओडी की डिमांड करेगा, नहीं तो सिक्योरिटी बेच देगा। सीधी बात करिए बेटा जी, तो इन सबको जोड़ लीजिए, और मोटे तौर पे ये आपकी करंट लिबिलिटी है, बाकी तो क्वेश्चन देखेंगे तब बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि बताता क्या है भाई, आइए मैं आपसे बात करता हूं, हटाऊं इसको, सबने लिख लिया, यहां से लिखना है बेटा, शुरू से लिखना है, किसी को एक बार बेटा अपनी कॉपी पे जमा करते जी, किताबों में भी सब लिख रखा है लेकिन एक बार कॉपी पे भी करिए। हटा दो, देखो बेटा अब बात करते हैं आपसे, हम क्या लिखूं, वो करंट रेशियो, यही बात हो रही थी ना, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी। मैं आपको दो केस देता हूं, खुद ही समझ जाएंगे, फिगर मैं इसलिए देता हूं कि जल्दी समझ जाए। मान लीजिए कंपनी है जिसके पास बहुत एसेट है 10 करोड़ और लायबिलिटी भी खूब है, एक दूसरी कंपनी है जिसके पास इतना एसेट नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ है लेकिन लायबिलिटी और भी कम है। मैं ये नहीं कहता कौन सी कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाती है, वो तो नहीं बता सकता मैं, कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कौन सी कंपनी टाइम पे पेमेंट जरूर कर देगी और किसमें डिफॉल्ट हो सकता है ये मैं बता सकता हूं। देखिए इस बंदे के पास कितना है लेकिन लायबिलिटी का 2 गुना है, और इसके पास बताइए, हो सकता है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा ये कम हो जाए, थोड़ा सा ये बढ़ जाए, पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। इसमें कितना कम होगा कितना बढ़ेगा, गैप बहुत ही ज्यादा है। डबल बेड पे एक बच्चा सोया हुआ है, उसके गिरने के चांसेस कम है, डबल बेड है। एक बेंच पे आपने टॉपर्स के बेंच पे बच्चे को सुला दिया है, एक पलटी मारेगा सीधे नीचे, उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो गैप जितना ज्यादा हो ना, वो कल्पना ना, कवरेज कवरेज जितना ज्यादा हो डिफॉल्ट के चांसेस उतने ही कम। बताइए किसकी लिक्विडिटी अच्छी है, हायर द रेशियो, देखो बच्चा गिर गया, हायर द रेशियो बेटर द लिक्विडिटी, अच्छी लिक्विडिटी है उसकी, मतलब वो बंदा अपनी पेमेंट समय पे कर पाएगा। गर्मी में ऐसे लोग बोलते हैं बेटा पानी पियो पानी पीते रहो,
धारा प्रवाह बेटा, कथा सुनते रहो, सुबह सुबह भगवान बाबा की कथा सुनो। फिनांस वाले बाबा हो गया, आगे बढ़ो। देखिए इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो थोड़ा और बढ़िया से बताओ यार, ये इतना समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ करंट एसेट ऐसे हैं जो वक्त पे काम नहीं आते, जैसे कि स्टॉक। अब मान लो स्टॉक रॉ मटेरियल है, आपको तो पता ही, रॉ मटेरियल पहले कन्वर्ट होकर WIP होगा, फिर फिनिश्ड होगा, फिर बिकेगा, फिर पैसा मिलेगा, हो सकता है एक साल ज्यादा समय लग जाए। मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास बिना बिकी हुए में कुछ अनसोल्ड फ्लैट्स है, कोई गारंटी है बिकेगा? बढ़िया बढ़िया बिल्डर बर्बाद हो गए, उनका माल सही दाम पे बिक ही नहीं पाता, उन्होंने महंगा खरीद लिया होता है, महंगा बना लिया होता है, उनसे बिकता ही नहीं। बैंक वाले उनके घर पे फोन करते हैं, घर से गायब, बैंक वाले ऑफिस आते हैं, ऑफिस से गायब, कहीं तो सुसाइड कर लिए। एक हमारे सर है, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं उनके एक भाई साहब हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते थे दुबई में, इंडिया में आकर उनको बिल्डर बनने का शौक चढ़ा। अब वो इंडिया में आ गए बिल्डर बनने, नोएडा में उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया। नोएडा के किसान तो आपको पता ही है, बिल्डर के बाप हैं, पैसे वैसे ले लिए जो थे, जमीन में उनका पोजिशन मिला नहीं, इन्होंने उसको पहले सेलर को बेच दिया था, मतलब फ्लैट व्लैट का नक्शे पे बेच दिया, तब सेलर इनके पीछे लगे हैं। ये घर वो चुपके से और जाके अपने गांव में सभी भाइयों की प्रॉपर्टी बेच दी, सभी भाइयों की प्रॉपर्टी अकेले बेच दी। जब भाइयों को पता चला भाई भी खोज रहे हैं, अब देखो टू मच फन। अब इंजीनियर साहब गायब हैं, उनको खोज रहे हैं बाहर वाले कि मेरे पैसे लौटाओ, उनके खोज रहे हैं घर वाले, घर वाले खो गए कि अभी क्या किया, सारा घर ही बेच दिया, सारा जमीन ही बेच दिया, और वो एकदम भागे जा रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं? पूरे घर वाले उनके पीछे, समाज वाले पीछे, और वो एकदम गायब हैं। नुकसान क्या हुआ, गलती क्या हुई? उन्होंने गलत बिजनेस में हाथ डाल दिया, जिसकी जानकारी नहीं थी, बड़ा काम नहीं करना चाहिए। मुझे शेयर खरीदने की जानकारी नहीं है, मैंने 50 लाख रुपए लेके ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, 5-7 दिन में काम खत्म, 5-7 दिन में खत्म। अगर ट्रेडिंग करना है तो 5,000 से करो। अरे पहले थोड़ा वार्म अप करो, थोड़ा जॉगिंग करो, जब बॉडी उस लायक हो जाए साल दो साल में, फिर जो वो करना है करो। रकेन जुंजन वाले ने ट्रेडिंग करके 50,000 करोड़ कमाया, लेकिन एक साल में थोड़ा ना कमाया उसने इस काम के लिए। बेटा आप सोच लो, उसने ये काम शुरू किया था 85-86 में, और अभी मरा 2023-22 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, हाँ 23-22 में मरा। देखो कितने साल हुए, 40 साल से भी ऊपर शायद, 40 साल का वक्त देना पड़ता है तब जाके कोई बात बनती है। चलिए तो लिक्विडिटी को आपको बचा कर रखना है, स्टॉक के भरोसे आप नहीं रह सकते। और प्रीपेड, मान लीजिए टॉपर्स ने मुझे एडवांस दिया है, टॉपर्स को बिजली बिल का पेमेंट करना मेरे से मांग रहा है, मैं दे दूंगा? मैं कहां यार, मैं तो खा गया, 2 क्लास एक्स्ट्रा लगवा लो, 2 महीने और पढ़वा लो, पैसे तो नहीं दूंगा मैं। भरत भाई के सैलरी एडवांस लौटाएंगे? बोले पागल है ही नहीं, मेरे पास कोई नहीं देगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते वापस। आपने मान लो टॉपर्स में एडवांस दिया, कहो सर थोड़े पैसे दो प्लीज, मुझे बड़े जरूरी है, अपना मकान का भाड़ा देना है। मैं कहूँ कौन सा रेंट, मुझे नहीं पता, हु आर यू, 2 क्लास और कर लो। क्योंकि हकीकत यह है कि आपका पैसा मेरे पास नहीं है, आपने दिया, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो प्रीपेड से पैसे वापस आप नहीं ले सकते। लेकिन मैंने कहा ना फायदा एक होता है, इसलिए रखते हैं। बट इसको छोड़ दें तो जो बनता है ना बेटा, इसको बोलते हैं लिक्विड लैब एसेट। मतलब ये तो हो गया बेटा, कौन सा एसेट, करंट एसेट, जगत है थोड़ा सा, नहीं है तो
थोड़ा सा देख लो कैसे भी एडजस्ट करो बेटा, मेट्रो में भी करते ही हो ना, मेट्रो में भी एडजस्ट करते ही हो ना, यहां भी एडजस्ट करो। तो क्या फर्क है बेटा, कैसे बोलेंगे, लिक्विड एसेट करंट एसेट माइनस, करंट एसेट माइनस स्टॉक या प्रीपेड, या कैसे बोलेंगे लिक्विड एसेट प्लस दिस, चलेगा? आगे आओ, ऐसे ही देखो यहां, ये जो दो है ना ये कमाल है, ना ना ये दोनों बैंक वाला, ये कमाल कैसे है कि अगर आपकी हालत अच्छी हो तो बैंक को भी दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म लोन है। जैसे मान लीजिए आपने फैक्ट्री शुरू की, किसी भी चीज की मान लेते हैं, पहले साल आपको बैंक को भी मिलेगा ही नहीं, दूसरे साल आपने 10-15 करोड़ का टर्नओवर दिखाया तो बैंक से जाएंगे बात करेंगे, सिक्योरिटी के बेसिस पे वो आपको लोन दे देंगे बैंक को भी 1 करोड़। आपने यूज किया किया किया, समय पर ब्याज दे रहे हैं, अगले साल फिर आपने अप्लाई किया कि सर हमारा बिजनेस बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया, 1 करोड़ से कुछ हो नहीं रहा, 3 करोड़ कर दीजिए, उसने कर दिया 3। ध्यान देना, आपने 1 चुकाया नहीं, 2 और ले लिया, लिमिट ही तो बढ़ाया उसने। ऐसे करते करते आपने 10-20 कर लिया एकदम टाइम, आप टाइम पे दे रहे हैं, आपका बिजनेस 200-300 करोड़ का हो गया। ध्यान सुनना, अब बैंक मैनेजर खुद आपके पास आएगा, ओडी लिमिट बढ़वानी है सर, 30 करोड़ में क्या होता है, और बिजनेस बढ़ाओ, 50 कर दो। अब वो खुद आएगा, कारण बताओ, उसको भी तो ब्याज कमाना है भाई, 30 करोड़ पे कमा रहा होगा 10%, वैसे 50 करोड़ पे कमाएगा, और उसको पता है पार्टी बढ़िया है, पार्टी का काम अच्छा चल रहा है, जिसके काम अच्छा चल रहा है ना उसके साथ सब मिलने को तैयार है। जैसे बीजेपी, आजकल बीजेपी में हर आदमी ज्वाइन करने को तैयार है, यही दुनिया है बेटा। एक समय था जब कांग्रेस में हर आदमी ज्वाइन करने को तैयार होता था, एक समय था जब यूपी में हर आदमी समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चलता था, हर गाड़ी के ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा होता था। दुनिया किसी की नहीं है, दुनिया सिर्फ बेटा उगते हुए सूरज को नमस्ते करती है। इसलिए बेटा हमेशा इस बात को याद रखो, जलते रहो, जिस दिन बुझे दुनिया खत्म। अब कहते ना संघर्ष में क्यों करो, इसलिए करो कि लोग आपका साथ दें। कुछ किस्मत से नहीं होता होगा, कुछ नहीं होता होगा, जहां तो मैं समझता हूं पहले मेहनत तो करनी है। तो देखो बैंक को डी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आपका बिजनेस खराब हुआ, ये 2 महीने में मांगने आ जाएंगे, भाई साहब बहुत हो गया, ये मैं बेच रहा हूं आपकी फैक्ट्री, आप जानो आपका काम जानो, लेकिन अच्छा चल रहा है तो 1 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 30 करोड़, 30 करोड़ से 50, 50 से 250 करोड़। इसका मतलब आपने जो 20 साल पहले 1 करोड़ लिया था तो कभी चुकाया ही नहीं, ऊपर से और उसके ऊपर और लेयर बढ़ता चला गया, यही आपका बैंक ओडी। तो लोग बोलते हैं कि बैंक ओडी को हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड, बताइए लायबिलिटी, इसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। तो कभी कोई लिक्विड लायबिलिटी पूछे तो क्या लिखेंगे बेटा उसमें, करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी माइनस माइनस कैश क्रेडिट, याद रहेगा, हटा दो। हाँ रुके हुए हैं भाई, रुके हुए हैं, हम हमेशा रुके ही रहते हैं, चिंता ना करें। कैश क्रेडिट भी देखो, आप व्यापारियों से उधार लेते हैं फिर माल बेच के पैसा दे देते हैं, बैंक वाला कहता है मेरे से ले लो फ्लेक्सिबल लोन, 50 लाख ले लो, जितना निकालोगे उस पर इंटरेस्ट लेंगे, फिर मर्जी जमा करा देना। तो ये बैंक ओडी की तरह ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि बैंक ओडी अलग से खुलता है, सॉरी बैंक ओडी करंट अकाउंट होता है, जो निगेटिव हो गया तो बैंक ओडी हो गया, कैश क्रेडिट अलग से लोन अकाउंट खुलता है, लेकिन लोन फ्लेक्सिबल लोन होता है। जैसे देखो एक आयरन बार होता है, आयरन बार फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक छल्ला होता है, छल्ला बड़ा भी कर दो छोटा भी कर लो, बड़ा भी कर दो छोटा भी कर दो, यही बैंक कैश क्रेडिट। प्लास्टिक जरूरत के मुताबिक फैल भी जाएगा, नहीं जरूरत हो तो सिकुड़ भी जाएगा, ऑफ सीजन में ले में पे कर दो, सीजन में फिर ले लो, ऑफ सीजन में पे कर दो, सीजन में फिर ले लो। बिजनेसमैन ना वर्किंग कैपिटल के लिए यही लोन लेते हैं, स्टॉक डेटर के लिए, और लर्निंग बिल्डिंग के लिए कौन सा लोन लेते हैं, टर्म लोन। ये भी पढ़ेंगे हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, फिनांस पढ़ना है तो क्या छूटेगा, क्या ही छूटेगा।
गो एंड। तो अब लोग कहते हैं कि देखिए हमें थोड़ा और अगर बढ़िया से पता करना है तो हमें लिक्विड रेशियो निकालना चाहिए, हालांकि इसका और भी नाम है क्विक रेशियो। आपने देखा एक होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये क्या होता है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्या होता है बेटा? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जिसमें आपको देखो पूरा खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन दो तीन मिनट चार मिनट के अंदर फटाक से अगर कुछ चाहो ना तो मिल जाएगा। हाँ एकदम जैसे मैकडी, आपने दिया ऑर्डर और आप इधर साइड हुए तब तक बर्गर आपके सामने, इसको बोलते हैं क्विक सर्विस। जबकि नॉर्मल वाले में तो ऑर्डर लेने में इतना टाइम लगा देता है, खाना तो 15-20 मिनट एक घंटे बाद आएगा, इसको बोलते हैं क्विक सर्विस, एकदम फास्ट। तो क्विक रेशियो का मतलब यही है, और भी नाम है इसका एसिड टेस्ट रेशियो। देखिए जब कोई मेटल की पहचान नहीं होती उसके ऊपर गंदगी हो जाती है ना, कोई भी मेटल लोहा है पीतल है सोना है, तो एसिड से उसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद जो उसका असली कलर है वो सामने आ जाता है, फिर बता देते हैं पीतल है सोना है स्टील है तांबा है क्या है जो भी व्हाटएवर। सुन रहे हैं आप इस बात को? इसलिए इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। अब ठंडी में तो पता नहीं चल रहा था कौन कितना मोटा कौन कितना पतला है, लेकिन अब टी शर्ट का टाइम आ गया, अब जो भी आपका असली वजन है वो सामने आ जाएगा कि आप 30 किलो के हैं कि 20 किलो के हैं। अब कई बच्चे 10-10 किलो वाला दिखाई देने लगे, जैसे 1-2, ठीक बात है कि नहीं? खाया करो बेटा थोड़ा खाया करो। चलो इधर आओ। आज सचिन कहां गायब है? आज सचिन एबसेंट है ना? हाँ जो भी है एबसेंट तो एबसेंट ही है, वो मेरे ख्याल से पहली क्लास एबसेंट हो रहा है, संडे को नहीं आता, चक्कर क्या है संडे को उसका? आपको पता क्या है कि ऑनलाइन देखता है, किसी और कांड में होगा। इधर आइए, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन होता तो बोलता। नहीं है सचिन हो भाई, अब इसे बढ़िया और क्या बात है। लिक्विड एसिड, लिक्विड लायबिलिटी। लेकिन कई लोग बोलते हैं ना 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 हम प्रूडेंट अकाउंटेंट हैं, हम बैंक ओडी पर भी इतना भरोसा क्यों करें, है तो भी आउटसाइडर ही ना, तो हम करंट लायबिलिटी ही लेंगे। सुना आपने लिक्विड एसेट बट लिक्विड लायबिलिटी या लिक्विड एसेट बट करंट लायबिलिटी? मुझे और बाकी एनालिस्ट को भी यही अच्छा लगता है क्योंकि उनका मानना है। सर ऐसा मत बोलो, अरे सचिन है क्या बात है, लेकिन अभी इतने देर से मैसेज क्यों किया, कहां गायब थे? चलो इधर आओ। लिक्विड की किसी ने मैसेज करके तो नहीं बोला कि सर पूछ रहे हैं? चलिए हाँ तो सुनिए, देखिए ये क्या है, एक्स लिमिटेड ने अपना स्टॉक वगैरह हटा दिया, ठीक है। जब स्टॉक वगैरह हटा दिया ना तो एक्स लिमिटेड का आ गया 7 करोड़। चलिए बताइए तो क्या रहा रेशियो? 1.4 times। और जब इसका हमने स्टॉक हटाया तो ये सिर्फ 1 करोड़ बचा, मेन तो स्टॉक ही पड़ा हुआ था। अब बताइए अब क्या कहते हैं आप? अब एक सच्चा कि वाई अच्छा? अब एक सच्चा, यानी कि वाई की जो लिक्विडिटी थी ना वो स्टॉक पे डिपेंड था, और स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि स्टॉक समय लेता है लिक्विड होने में, है तो करंट एसेट मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा बहुत अच्छा, आप अच्छे स्टूडेंट है बेटा, इसलिए तो मैंने ध्यान रखा है कि आप है कि नहीं है। हो गया एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड और लिक्विडिटी, समझ रहे हैं आप? तो चीजें लिक्विड हो तो अच्छा है, लेकिन उसमें भी बढ़िया हो तो ज्यादा अच्छा है। स्टॉक के भरोसे मत रहिए, क्या पता स्टॉक आपके भरोसे हो,
और पता चला कि अब समय पे पेमेंट अपनी नहीं कर पाए। चले आगे। हाँ बेटा बोलिए ना। करंट लायबिलिटी, अच्छा लिक्विड लायबिलिटी का मतलब बताएं, यहां बताया था ना बैंक ओडी छोड़ के, ये दो चीजें छोड़ के, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, मैंने देखा स्टडी में भी इसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि आखिर है तो गैर ही ना, मांगने का क्या करोगे, तो व्यवस्था तो अपनी पूरी करके चलनी चाहिए। जैसे होता है ना एग्जाम में दो तरह क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं जो बार बार आते हैं, और कभी कभी अच्छे पढ़ने वाले को क्या करना चाहिए, दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का किस्मत इतना बढ़िया होता है कि जो जो चैप्टर छोड़ के जाते हैं वही आता है कोई इसमें से ऐसे अच्छे किस्मत वाले कि पूरा पढ़ा और आपने कुछ पॉइंट छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन भारी था छोड़ दिया और एग्जाम में सबसे पहले ले बेटा, है कि नहीं। तो ये ऐसी किस्मत वाले भाई पूरा पढ़ के जाइए, कोई कोई आप टेंशन ले ही नहीं। चलिए आइए देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर ये कितना होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो कह लिख लीजिए, इसका स्टैंडर्ड लोग मानते हैं कि 2.1 हो तो ठीक है, यानी करंट एसेट अगर करंट लायबिलिटी के डबल होना इट्स ओके, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के डबल हो तो इट्स ओके। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है हर बार, कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें स्टॉक बहुत होता है, कुछ ऐसा बिजनेस में स्टॉक कम होता है, बट फिर भी लोग बोलते हैं करंट रेशियो देख ही क्यों रहे हो आप। देखो ये कौन सा वाला लिक्विड, और लिक्विड का लोग स्टैंडर्ड बताते हैं 1:1 कि देखो अगर 1:1 भी है तो कोई बात नहीं, मान लो मुझे 10 लाख की लायबिलिटी देनी है और 10 लाख एसेट है तो काम हो ही जाएगा ना यार, ठीक बात है कि नहीं।